नमस्कार फ्रेंड्स, डीटीपीए स्कैन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, क्या तैयारी होती है और इस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो आज इस वीडियो में मैं डीटीपीए स्कैन के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीटीपीए स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। डीटीपीए स्कैन मतलब डाईएथिलीन ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड। यह एक न्यूक्लियर मेडिसिन है और रेडियो फार्माच्यूटिकल्स है और इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ एमिट होते हैं और यूजली इसको इंजेक्शन के द्वारा टेस्ट के समय दिया जाता है। और जब यह इंजेक्शन के द्वारा टेस्ट के लिए समय दिया जाता है और जब यह किडनी में पहुंचता है, उस समय किडनी में किस गति से वह पहुंच रहा है और किस गति से क्लियर हो रहा है, उस चीज़ को हम मेजर करके किडनी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मालूम कर सकते हैं। डी टी पी स्कैन एज ए यूरोलॉजिस्ट यूजली हम लोग दो कंडीशन में एडवाइस करते हैं। पहला तो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन नाम की एक बीमारी होती है, उसमें करते हैं यह देखने के लिए किडनी में ब्लॉकेज है कि नहीं है। और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर के किडनी का फंक्शन इवेल्युएट करने के लिए, किडनी कैसी काम कर रही है। इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेशन है, अगर किडनी का फंक्शन बहुत ख़राब है और हमें ये डिसाइड करना है कि किडनी काम कर रही है कि नहीं, निकालना है कि बचाना है, तो उसके लिए भी DTP स्कैन करते हैं। और एक चौथा रेयर इंडिकेशन है, अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब ऐसे पेशेंट जिनमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके लिए कैप्टोप्रिल DTP स्कैन भी करते हैं। बट आप समझे कि इसके मेनली दो इंडिकेशन ही समझें, पहला PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी का फंक्शन एसेस करने के लिए। तो इसमें जब भी टेस्ट होता है, आपको न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है हर हॉस्पिटल में, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है। उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट्स पे जाके पास जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती है आपको, तो सुबह सुबह बुलाते हैं और जब भी आप सुबह जाते हैं आपको अच्छे से खा पी के और काफ़ी सारा पानी पी के जाना होता है, क्योंकि जब भी आप टेस्ट कराने जाते हैं खाली पेट पहुँच जाते हैं। बट इस टेस्ट में आपको अच्छे से पानी पी के जाना होता है ताकि आपका हाइड्रेशन सही रहे और किडनी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से एसेस हो। तो जिस दिन टेस्ट हो आप सुबह सुबह बताए गए टाइम पे पहुंच जाएं। जब आप पहुंचेंगे तो आपको और पानी पीने के लिए बोला जाएगा। एक IV कैनुला लगाया जाता है। IV कैनुला में आपकी हाइट और वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके उसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट या DTPA जो रहता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद आपको एक बड़ी सी मशीन में लिटाया जाता है जिसको हम गामा कैमरा बोलते हैं। तो कैमरा, जैसे आपने कैमरे से फ़ोटो खींचते, वैसे गामा कैमरा जो होता है आपकी जो पूरे बॉडी की फ़ोटो खींचता है और इमेज को एक्वायर करता है। और जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो रेडियो एक्टिव जो बीम्स होती है एमिट कर रहे हो, तो उसको उसके इमेज को एक्वायर करता है और वह देखता है कि किडनी में किस तरीके से वह जा रहा है। और जब गामा कैमरा जब ये सारे इमेज एक्विजिशन करता है, ये सारा कंप्यूटर टर्मिनल पर आ रहा होता है और कंप्यूटर टर्मिनल पर इमेज एनालिसिस होती है और एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारा एनालाइज होता है। और फिर जब ये टेस्ट पूरा हो जाता है, करीब ये आधे घंटे के फ्रेम में एक एक मिनट पे टेस्ट किए जाते हैं। अगर कई बार ब्लड किडनी फंक्शन कम है तो ये टेस्ट लंबा भी चल सकता है। टेस्ट पूरा होने के बाद न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर्स होते हैं या न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, इसकी रिपोर्ट फिर शाम तक यूजली प्रोवाइड कर देती है। ऐसे पेशेंट जो प्रेग्नेंट हैं उनमें यूजली अवॉइड किया जाता है। ऐसे मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उनको यूजली उस दिन ब्रेस्ट फीड नहीं कराना होता या बच्चों को भी दूर रखना होता है ताकि उन पे रेडिएशन ना जा सके। इसके अलावा कुछ ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बहुत ही सेफ टेस्ट है। तो यह तो रहा कि आपको न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट होता कैसे। आइए मैं अब इसके बारे में बताता हूँ इसकी रिपोर्ट कैसी होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यह एक न्यूक्लियर मेडिसिन रिपोर्ट है। इसमें यूजली दो पेज होते हैं बट आपको मैं जो मेन जो पेज है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो इसमें इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें जो चार फोटोग्राफ्स दिए हैं, इसमें जो राइट साइड में जो फोटोग्राफ्स हैं वह इमेजेस हैं जब आपको इंजेक्शन देने के बाद सिक्वेंसली इमेज को एक्वायर किया जाता है और उसको इमेज को एक्वायर करने के बाद इसको कंप्यूटर में सेंड किया जाता है और उसमें एनालाइज होती है। तो इस प्रकार की इमेज मिलती है। ऊपर आप देख सकते हैं ये दोनों किडनीज दिख रही हैं और नीचे जो डार्क है वो ब्लैडर है। ब्लैडर में जब यूरिन कलेक्ट होता जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो ऐसे वायलेट कलर का दिखता है। राइट लोअर कॉर्नर पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो दो ग्राफ देख रहे हैं, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का। तो रेड कलर का ग्राफ लेफ्ट किडनी के लिए है और ग्रीन कलर का ग्राफ जो है वो राइट किडनी के लिए है। तो इसमें स्टार्ट से जीरो से लेके आप देख रहे हैं 20-25 तक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि
इनिशियली ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाता है, फिर बाद में ये नीचे की तरफ आ जाता है। इनिशियली जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तब दवाई किडनी में इकट्ठी हो रही होती है, फिर जब किडनी में दवाई आ जाती है उसमें तो यूरिन के द्वारा निकल जाती है। अगर वो यूरिन के द्वारा अच्छे से निकल जाती है तो उसमें फिर ग्राफ नीचे चला जाता है, इसका मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। यह जो DTPA स्कैन है यह किडनी ट्रांसप्लांट डोनर के लिए किया गया है, लेकिन अगर PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए DTPA स्कैन किया जाता है कई बार एक इंजेक्शन भी लगता है जिसको हम लैसिक्स इंजेक्शन बोलते हैं, जो कि DTPA स्कैन इंजेक्शन के देने के 10 मिनट के बाद लगता है। लैसिक्स इंजेक्शन देने के बाद देखा जाता है कि ये ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ग्राफ में बताता हूँ कि ये PUJ ऑब्स्ट्रक्शन का ग्राफ है और इसमें इंजेक्शन लैसिक्स देने के बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, इसका मतलब दवाई क्लियर नहीं हुई और इसमें किडनी में ब्लॉकेज है। और अगर किडनी में ब्लॉकेज आता है, दर्द है, तो फिर इसमें पायलोप्लास्टी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरे इमेज में आप लेफ्ट साइड में देखिए कुछ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हैं। सबसे ऊपर स्प्लिट फंक्शन दिया हुआ है। इस स्प्लिट फंक्शन यह डिनेट करता है कि लेफ्ट और राइट किडनी का कितना कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ 100%। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला 50.8% है एंड राइट 49.2% है। इसको टोटल कर दिया जाए तो 100% होता है। तो ये टोटल फंक्शन बताता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है GFR। आप देख रहे हैं ये दिस इज GFR। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यह एक्चुअल लेफ्ट और राइट किडनी का फंक्शन कितना कितना है यह बताता है। इसमें देख सकते हैं लेफ्ट किडनी 84 ml है एंड राइट किडनी 81 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल किडनी नॉर्मल आदमियों का GFR 90 to 120 ml होता है और इसमें तो GFR 160 ml है, तो ये काफ़ी अच्छा GFR है। तो चूँकि ये किडनी डोनर के लिए किया था, इस पेशेंट में हमने लेफ्ट किडनी ली और लैप्रोस्कोपिक मेथड द्वारा निकाली और ट्रांसप्लांट किया। और यह एक था रिपोर्ट के बारे में संक्षेप की DTPA स्कैन रिपोर्ट दिखती कैसी। यूजली शाम तक रिपोर्ट मिल जाती है, तो यह एक काफ़ी सेफ टेस्ट है। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वह है कि आपको खाली पेट नहीं जाना है, पानी पी के जाना है, तो ही रिपोर्ट अच्छी आती है। तो मैं समझता हूँ इससे आपको DTPA स्कैन के बारे में एक संक्षेप में जानकारी मिली होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप YouTube में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।